कर दीजिएगा। सभी को पता है आज हम किस उपलक्ष में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष करा, माननीय कांसीराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष में आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी खुशी हुई है कि दूर दूर से लोग अपने एक से एक बड़ा बिजी काम छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हुए, संगठित हुए। लेकिन क्या हमारे इस संगठित होने में क्या हमारी एकता नजर आ रही है? मुझे शायद इसमें कुछ कमी नजर आ रही है। सब लोग कहते हैं कि दलित समाज या और कोई भी बहुजन जितने भी हैं, ना सिर्फ हम जातिवाद की बात करें, जितने भी हमारे गरीब परिवार हैं, जितने भी हमारे समाज हैं, बहुजन समाज है, वो आगे आ रहे हैं। बाबा साहब का एक मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो एक मिशन जो हमारा शिक्षित बनने का था, मैं ये कह सकती हूँ कि वो ज्यादातर लोगों ने पूरा कर दिया है कि शिक्षा की तरफ हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या संगठित हो पा रहे हैं? संगठित में अभी भी कुछ कमी है। संघर्ष तो बहुत बड़ी बात है, संघर्ष तो तभी होगा जब हम लोग संगठित होंगे। और संघर्ष अपने आप से ही हमें करना है, ना कि किसी दूसरे लोगों से। हमें एक दूसरे को आगे लाने के लिए सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम खुद चलकर आगे आए। अभी जो मोदी जी का चल रहा है कि हमें एक अधिकार मिला संविधान में, जो हमारे संविधान रचयिता है, उन्होंने हमें बहुत अधिकार दिए जीने के, जितने भी हमें अधिकार दिए। आज हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं, और वो सारे अधिकार हमारे आज की जो सत्ता है वो छीनने में कामयाब होती जा रही है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो वो लोग सोचते हैं कि आज इनका रिजर्वेशन छीन ले, आज इनको हम फिर से अपाहिज कर दे, अपंगू कर दे, अगर हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे तो शायद वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और हम यहीं पर भाषण देते हुए रह जाएंगे। इसीलिए आपको जो एक अधिकार मिला है, वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार है जिसको कोई छीन नहीं सकता, आपका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे हम पढ़ गए, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो बाबा साहब के विषय में पूरी तरह से जानते हैं? मैं कह सकती हूँ शायद नहीं जानते होंगे। सब इतना जानते होंगे कि बाबा साहब जो थे हमारे संविधान रचयिता थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा जानता है, या तो उसको जानने नहीं दिया जाता है या उसको पढ़ाया ही नहीं है। तो जो जितनी भी हमारे पास शिक्षा है इस तरह की, वो जरूरत है हमें अपने बच्चों को देने की। जब हम अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को इन चीजों के बारे में उनको जागरूक करेंगे तो वो अपने आप ही संगठित हो जाएंगे। हमें उनको कहने की जरूरत नहीं है कि आप आगे आइए, संगठित होइए, आप संघर्ष कीजिए, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप उनको शिक्षा दीजिए, उनको बाबा साहब के बारे में बताइए, वो अपने आप ही संगठित हो जाएंगे। 2019 का जो चुनाव आ रहा है, मोदी जी यही सोच रहे हैं कि 2019 जैसे मैंने 14 में जीत लिया, इसी तरह से मैं 2019 का भी जीत लूंगा। लेकिन ये सभी जानते हैं, खुद मोदी जी भी जानते हैं कि जीत उनकी नहीं हो रही है, जीत तो सिर्फ ईवीएम मशीन की हो रही है। तो ये चीज आपको निश्चित करनी है, आपको सोचना है, आपको एक संकल्प करना है कि अपने वोट का अधिकार अच्छे से करें। 2019 में आने जो आज आपकी 5 साल में आने वाली जो स्थिति आपकी अब हो गई है, वो आगे आने वाले में आपकी और बस से बदतर हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा कहना तो यही है, जहां तक मुझे लगता है कि अपने इस आने वाले समय में आपको जो वोट का अधिकार है 2019 में, उसे सोच समझ कर, अगर आपके पास अपने में कुछ समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज है, तो आप अपने लोगों से पूछिए, अपने जुड़े हुए लोगों से पूछिए। ईवीएम मशीन की जीत बिल्कुल ना होने दीजिए, और बाबा साहब के मिशन को आगे आगे बढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है कि आप 10 लोगों की भीड़ इकट्ठे करें, वो हो ही नहीं सकती है 10 लोगों की भीड़ इकट्ठी। आप 10 लोगों को बोलेंगे तो उसमें से 2 लोग ही आपके साथ चलकर आएंगे। इसलिए जरूरत है उनको सिर्फ जागरूक करने की, उनके मिशन को बताने की। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी आप सभी लोग मुझसे ज्यादा समझदार बैठे हुए हैं। जय भीम।